उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने बाल आयोग के किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। मीडिया से रूबरू होते हुए गीता खन्ना ने बताया कि बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड में नशे और साइबर क्राइम को लेकर काम कर रहा है, क्योंकि आज के दौर में ये दोनों ही समस्याएं हैं जो बच्चों की जिंदगी को खराब कर रही हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि बच्चों को नशे के प्रति और साइबर क्राइम के प्रति सचेत करना होगा। इसके अलावा बच्चों की बात, विधानसभा का गठन और बच्चों पर होने वाले शोषण को रोकने के लिए स्कूलों में निरीक्षण अभियान चलाए गए। बस दीपावली के कार्यवश हमने जो है 20 तारीख को टीहरी में मना रहे हैं, और ये डिसेंट्रलाइजेशन की जो हमारी कोशिश है आयोग के सभी कार्यक्रमों के उसके तहत है। और इस बार का हमारा ध्येय साइबर क्राइम को रोकना और नशा मुक्ति से बच्चों को लाभ दिलाना है कि वो लोग नशे से जो ग्रस्त हो रहे हैं उसमें ट्रेनिंग्स के लिए हमने शिक्षा विभाग और शासन को एक वाइट पेपर दे रहे हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग्स और इस तरह की वर्कशॉप्स को कंपलसरी करके अभिभावकों को और बच्चों में इसके प्रति चेतना की हम अलग जगा सकें।